तो गाइस मैं खाने जा रहा हूँ चाय पाव, क्योंकि आज बहुत ज्यादा खाना खा लिया था मैंने। एवरीवन, आप सबका स्वागत है होगा जायद के मस्ती भरे व्लॉग में। तो गाइज आज है हम लोगों की सहेली जो अम्मी के घर पे है और सब आए हुए, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा सबके लिए। तो ये सब वाइट और ब्राउन इसलिए क्योंकि मैंने इसमें दो मैदा और गेहूँ मिक्स कर दी हूँ। दो आटे मेरे पास रखे हुए थे सहरी के और अफ्तारी के, तो मैंने मिक्स करके बना दी हूँ। और यहाँ पे मैं बस जा रही हूँ सबको पराठा बना के देने। तो फटाफट डाल देते हैं आटा, तो कैमरे के चक्कर में टेढ़ा डाल दी। और सब इधर पे अंदर, सब यहाँ पे जमा है माशाल्लाह। देखो आज मिसबा भी आ गए, महमूद भी आ गए, और आयत अभी तक नहीं सोई है, मम्मी पापा, शाहरुख, चलो टाइम खत्म हो जाएगा। मेरा बेटू भी उड़ गया है और डेली मेरे साथ अच्छे से ब्रश करता है, पर आज यहाँ पे इसकी नींद नहीं पूरी हुई क्योंकि अब भी ये 2 बजे 2:30 बजे कुछ सोया है। इसकी नींद कैसे दिख रहा है। आजा मम्मा पास आजा, देख तेरे लिए पराठा बनवा दिया, जल्दी आजा 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 मेरा गुड्डा, अच्छा ना आजा, पूरा रोजा रखता है मेरा बेटू, कि कुछ भी हो आजा मेरा बच्चा प्यारा सा। पराठा भी मस्त माशाल्लाह से रेडी हो गया है और जाते फटाफट से सबको देते हैं। मैं सहरी में इसको कभी नहीं जगाती हूँ आयत को, तो आज इसको मौका मिल गया है यहाँ पे जगने का, क्योंकि जब से स्टार्टिंग हुआ है रमजान का तो एक भी दिन मैंने इसको नहीं उठाई, एक भी दिन। तो आज ना यहाँ पे आके बोलती है मम्मा तुम मेरे को नहीं उठाते हो ना, आज मैं यहाँ पे जग ही रहूंगी। और ये जरा सा भी नहीं सोई है जो सुबह से उठी है, मतलब सैटरडे को उठी है, अब तक नहीं सोई है। और देखो शाहरुख सब करने वाला है, तो सोनम बताएंगे। और मस्त ब्रश, ये देखो अभी ना मैंने इसको बोला आया तो अब तो रोजा नहीं रखोगे तो क्या जरूरत है, तो बोलती है नहीं मुझे ब्रश चाहिए, मुझे कोलगेट चाहिए, मुझे करना है सहरी, मैं तो खाऊंगी, है ना, रोजा रखोगी क्या यार। खत्म हो गए सोनम, और भाभी सिर्फ पराठे पराठे बनाए जा रहे, पता नहीं कब खाने वाले, सिर्फ बनाए जा रहे। देखो इनके छट्टू पापा आए इसके लिए केयर करने के लिए, अभी तक सुला देती इसको, इसीलिए जग रही हो। चलो ना खाओ ना, जिसको चाहिए कल पराठा ले लो। हाँ, हाँ, ज्यादा नहीं करो, छोटू सी दांत है बस, हो गया। देखो इधर पे ओवेस को मिल गया है, ओवेस खा रहा है पराठा। ओवेस तो मेरा माशाल्लाह रोजा रह रहा है अभी तक, 6 के 6 रोजे रहे ना ओवेस। और लेके आए पराठा नहीं, तो हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पे सहरी करने के लिए। और कौन कौन कर रहा है दिखाओ बेटी सबको। मेरे साथ पापा का कैमरा है तो छोटी मम्मा, ओवेस भाई का एक पराठा नहीं खत्म हुआ, एक भी नहीं थे भाई जन, हम लोग खा रहे चाय पराठा, शाहरुख की और ऑलमोस्ट सैरी हो चुकी है चाय पाव, भाई जन, ओवेस सब मस्त बैठे खाते हुए। और यहाँ पर है मिसबा, और यहाँ पर है मम्मा। तो गाइस मैं खाने जा रहा हूँ चाय पाव, बहुत ज्यादा खाना खा लिया था मैंने अपना डिनर में। तो इन लोग हम लोग ने सोए नहीं अभी तक, तो हम लोग सोच रहे क्यों ना एक साथ ही हम लोग दबा के सहरी भी कर लें, है ना, उनका व्लॉग है। मैं तो भूल गया था, हाँ मैं तो भूल ही गया था कि भाई ये तो भाभी का व्लॉग है। तो भाभी आपका व्लॉग आप कंटिन्यू करो वापस से। मैं अभी आगे कंटिन्यू करूंगी जब महमूद खाने बैठेंगे। हाँ मैं तो खाने जा रहा हूँ। ये देखो ये बेटी देखो, ये इसका ही, ये लड़की का देखो, नहीं लड़की मैं सहरी करूंगी। हाँ और इसको मोबाइल नहीं मिला तो ये नहीं खा रही है, गलत बात बेटी, गलत बात है। देखो ये बोल रहा सोना, चांदी का है सर पे पहना है, सर पे पहना है चांदी, और ये है सोना। जब तक मोबाइल नहीं रहेगा ना एक बाइट भी नहीं खा पाती है ना, एक बाइट खा के देखो, देखो अभी दिखा रही है, खा के दिखाओ। अरे वाह, ये एक बाइट था कि बाटा था। देखो कड़क पाव नरम पाव, कड़क पाव नरम पाव के लिए झगड़े हो रहे किसी। हाँ ये बोल रहे मेरा कड़क था, महमूद बोलते मेरा नहीं, आया तुम, अरे पर वो तो खाओ, वो नहीं खा रही है, दूसरे सहरी करने वाले लोग को भी नहीं खाने दे रही है, कहा एक नहीं मिल रहा था उसको दो दो मिल गया, तुम्हारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलो 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 मत दे दो, दे दो चाचू को दो, गंदी बात।
मत रखो भाईजान, आप ले लो। एक मेरा है, एक मेरा, दो तेरा। उमेश आपको दू, खा लो बेटू। एक पाव मेरे लिए खा लो, भाभी के लिए खा लो, भाभी के पेट में जाएगा, भाभी के लिए खा लो। उमेश उमेश आ जाओ, क्या हो गया उसको अम्मी? ठंडी चाय देते तुम लोग यार। हम लोग की सहरी मुकम्मल हो गई है, और सहरी और अफ्तारी के बाद जो काम होता है वो औरतों को ही पता होता है। तो यहाँ पे देखो सुबह काम वाली का क्या हशर होगा सोना। आज बहुत ही बर्तन निकल गए, क्योंकि मैं भी आ गई, मिसबा महमूद भी आ गए और शाहरुख भी आ गए। तो माशाल्लाह से हमेशा हफ्ते में एक बार अम्मी के यहाँ बर्तन भी ज्यादा हो जाता है, और माशाल्लाह कुछ ना कुछ, हाँ कुछ ना कुछ अच्छा बन भी जाता है और बर्तन भी ज्यादा हो जाता है। बनेगा भी तो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर अभी हम लोग प्लान करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, मेरे को इन लोगों के साथ कहीं जाना है या नहीं, घर पे खाना कुछ मिलके बनाना है नहीं, हम लोग इंशाल्लाह आराम से प्लान करेंगे, है ना। तो चलो फटाफट से टाइम खत्म होने वाला है, एक पराठा बच गया है, तो इंशाल्लाह पापा या अम्मी खा लेंगे। इसको मैं पैक करके फॉइल में रख देती हूँ। चलो मैं भी कुल्ली उल्ली कर लूँ, पानी पी लूँ, टाइम खत्म। यहाँ पे ना ओवेज सैरी करने के बाद जबरदस्ती रो रो के अपने आप को इतना हलाक कर रहा है, इतना अपने आप को परेशान कर रहा है, और आया तो उसको और परेशान कर रहा है। क्या चाहिए ओवेज? बैट मार खाने के लिए। क्या चाहिए आयत भाई को? आयत को ए ओवेस लग जाएगा। क्या चाहिए बेटा आपको? एक अलग ही मस्ती चल रही है, पता नहीं क्या भाग के आए, एकदम पर्दे वर्दे में घुस गए, क्या हो गया है? और ये मेरे को मार रहा है, बोलता है मुझे बैठ चाहिए, एग्जाम के बाद इंशाल्लाह मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो मिसबा अल्लाह हाफिज, चलते है घर पे। सहरी हो गई, नमाज भी हो गई मिसबा की। सोनम तो ऐसा ओढ़ ओढ़ के बैठे है पूरा। क्यों सोनम? एक पराठा कम मिला, एक पराठा कम मिला होगा इनको। नहीं बोल रहा, बार बार धमकी दे रही है, मैं जा रही हूँ। हाँ तो मैं सही में जा रही हूँ। चलो जाओ फिर, अब भी जल्दी। सोनम की नींद खराब होगी, अभी सोनम मस्त सोएंगे। मेरे को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं दो घंटा भी नहीं सोंगी कि मेरी काम वाली मेरे को फोन करना चालू कर देगी, तो ना इधर नींद होगी ना उधर नींद होगी। तो अल्लाह हाफिज। और ओवेज यहाँ पे चिपलक की तरह चिपक गए है, और आयत का पता नहीं है। चलो बाय। क्या बजे आ गए? टाटा।